अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आज की जो मेरी वीडियो है ये है टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस के बारे में। जब भी आप मेकअप करती हैं तो बहुत सारे जो फाउंडेशंस होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और नहीं समझ आता कि कौन सा फाउंडेशन जो है वो हमारी स्किन के लिए जो है वो सूट करेगा। आजकल विंटर का सीज़न है, सर्दियाँ आ रही हैं और शादियों का भी सीज़न है, तो विंटर में मोस्टली जो बेस यूज़ होती है वो फाउंडेशन बेस ही होती है, क्योंकि स्किन जो है ड्राई हुई होती है सर्दियों में, तो उसके लिए ये जो फाउंडेशन बेस होती है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। ये देखिए, ये मेरे पास है लॉरियल का फाउंडेशन, टोटल इफ़ेक्ट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त है ये फाउंडेशन। टोटल रिपेयर इसके ऊपर लिखा भी हुआ है और इसका मैंने जो नंबर है वो मैंने थोड़ा सा डार्कर टोन में लिया हुआ है, क्योंकि मेरा तो सलोन है तो यहाँ पे तो हर टोन का जो है कस्टमर वो आते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि जिनका बहुत फेयर कलर हो वही आए। बहुत से कस्टमर का डार्क शेड भी होता है, तो फिर उसके नंबर को देखते हुए मुझे डार्क टोन में भी जो है फाउंडेशंस वो रखने पड़ते हैं। इसलिए देखिए, मैंने थोड़ा सा डार्कर टोन में लिया हुआ है। बहुत ही अमेजिंग और हाई कवरेज ये है इसका रिज़ल्ट। ये है मेरे पास हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन, ये फाउंडेशन भी मैंने मीडियम टोन में लिया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका भी रिज़ल्ट है। बहुत ही अच्छा है ये फाउंडेशन भी, अगर आप इसको यूज़ करेंगी तो ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ये देखिए, इसका टेक्सचर भी बहुत क्रीमी सा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है ये भी फाउंडेशन है। अपनी स्किन टोन को हिसाब से आपको जो भी सूट करता हो नंबर, आप हमेशा वही फाउंडेशन परचेज करें। ये मेरे पास है सबसे जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ, ये है सिल्क फाउंडेशन मुसर्रत मिसबा का, मेरा बहुत ही जो मुझे पसंद है पर्सनली और जिससे मैं सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होती हूँ, ये वो यही फाउंडेशन है मुसर्रत मिसबा का सिल्क फाउंडेशन। इसके बहुत सारे नंबर हैं, ये देखिए, ये पोरोसिलिन है नंबर और इसके बहुत सारे नंबर्स हैं। आपके स्किन के हिसाब से जो भी आपको सूट करता है आप वो नंबर परचेज करें और वही आप हमेशा जो है अपनी स्किन पर अप्लाई करें। ये है रिवाज यूके का फाउंडेशन, ये देखिए इसका, ये मेरे पास है नंबर 12 नंबर है मेरे पास इसका, और ये फाउंडेशन भी लॉन्ग लास्टिंग है और ये बहुत ही ये भी अच्छा फाउंडेशन है। हमेशा आप अपने फाउंडेशन को नेक पे लगा के, उनके जो टेस्टर पड़े होते हैं जब भी आप ख़रीदने जाएं, नेक पे लगा के चेक किया करें, क्योंकि नेक का कलर जो होता है वो होता है ओरिजिनल कलर। ना आप हाथ पे लगा के देखा करें, ना आप चिक्स पे लगा के देखा करें, कहीं भी नहीं, आप सिर्फ अपनी नेक पे लगा के देखा करें कि आपकी स्किन से ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ये भी फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है फाउंडेशन, इसका रिज़ल्ट भी जो है वो बहुत अच्छा है। ये फाउंडेशन जो थे, ये जो भी मैंने जितने भी मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं, ये हैं थोड़े कॉस्टली, थोड़े महंगे आते हैं। इसके बाद ये फाउंडेशन जो है ये कूल लेडी का है, अगर आप बहुत मुनासिब कीमत में, ये मैंने आई थिंक 550 में लिया था, ये कूल लेडी का फाउंडेशन है, तो नॉर्मल रेंज में ये फाउंडेशन सबसे बेस्ट फाउंडेशन है। बहुत सारी बच्चियाँ समटाइम आ जाती हैं सलोन में मेकअप करवाने के लिए, टीनेजर्स लड़कियाँ होती हैं, उनको इतनी हाई कवरेज की ज़रूरत नहीं होती, तो उन पे अगर ये फाउंडेशन लगा के आप मेकअप अप्लाई करेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और बहुत ही हाई कवरेज ये भी दे जाता है। ज़रूरी नहीं है बहुत महंगी चीज़ ही हमेशा रिज़ल्ट दे, समटाइम जो नॉर्मल रेंज की चीज़ें होती हैं वो भी हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो दे जाती हैं। हमेशा आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो है वो फाउंडेशन परचेज़ करें, बहुत इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्का सा आप प्राइमर लगाएं, उसके ऊपर से आप फाउंडेशन लगा दें और उसके ऊपर से आप कोई भी कॉम्पैक्ट लगाएं तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आपने कोई बहुत अच्छी जो है, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो ऐसे ही लगेगा जैसे आपने कोई बहुत अच्छी जो है वो बेस लगाई हुई है या बहुत महंगा आपने जो है मेकअप जो है वो कराया हुआ है। बहुत ही अच्छे हैं ये फाउंडेशन, तो आप लोग प्लीज़ इन सब को देखिएगा, जो भी आपकी स्किन टोन से मैच करता है वो फाउंडेशन आप परचेज़ करें और अपने फंक्शंस को एंजॉय करें इनके साथ। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो।
इसी तरह से मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।